पैसे का ना गुड मॉर्निंग साथियों, जय भीम जय भारत। क्या हालचाल, बढ़िया। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे, जहाँ होंगे बहुत खुश होंगे। तो सुबह के बज चुके हैं 9:30 और हम लोग हैं अभी चंडीगढ़ में, और ये जो अभी हमारी पार्किंग है ये यहाँ पर चंडीगढ़ के काफ़ी अंदर नो एंट्री में है। तो हम लोग आए हैं यहाँ पर खाली करने के लिए। तो अभी आपको दिखाते हैं अभी यहाँ पर कि हम डेली कितनी, आप लोगों ने कभी मेरे से कमेंट करा था कि भाई आप लोग खुद ही चलाते रहते हो, जब बंदा आ जाता है तो कितनी एक्टिविटी बढ़ जाती है बंदे की ना, तो वो दिखाई देता है। तो चलो अभी हम लोग अनलोड करते हैं, और गाड़ियाँ अनलोड होने लगी हैं, ठीक है। चलो आ जाओ, इधर इसमें टोयोटा खाली हो रही है। एक गाड़ी टोयोटा थी, इसके पहले आई थी तो उसमें किया थी, तो अभी ये टोयोटा खाली हो जाएगी। इस साइड खाली हो रही है और मेरी की मारुति खाली कर रहे हैं अभी हम लोग। चलो तो भाई पेश है ग्रैंड विटा।
तो दोस्तों अभी हम लोगों की गाड़ी एक रह गई अंदर और बाकी सब अनलोड हो गई। अब हम लेके जा रहे हैं डीलर के पास, ठीक है, क्योंकि पार्किंग में खड़ी करके आते हैं। ये टोपी इसलिए लगा ली, गर्मी लगी, बहुत काम कर लिया। चलो चलते, तुम ध्यान देना ठीक है, कोई गाड़ी भी टच ना हो। तो ये है दोस्तों अपनी ग्रैंड विटारा जो कि है ऑटोमेटिक सेल्फ स्टार्ट। ये देखो इसका डैशबोर्ड लुक कितना घुस मस्त है। ऐसे ही देखो सारा जो डैशबोर्ड है, ये गियर लीवर मस्त। गाड़ी तो अच्छी है, अब टोयोटा मैन्युफैक्चरिंग कर रही है तो भाई गाड़ी अच्छी होगी। टोयोटा तो टोयोटा ही है। तो चलो एक बार सीट बेल्ट लगा लूँ जरा, है ना। एक तो पहले हम अपनी गाड़ी खाली करेंगे, फिर एक और उस्ताद जी हैं उनकी खाली करवाएंगे, ठीक है, फिर चलते हैं। वो उनका भी टाइम, उनकी 7 गाड़ी है, मेरी 6 गाड़ी है, तो मदद तो खैर सबके लिए नहीं पड़ती है। तो ये है दोस्तों चंडीगढ़ का रोड। ये देखो रोड बिल्कुल छोटी है, सामने से बस आ रही है, वाह। बच गई। जान सूख जाती है ऐसे कोई सिस्टम में फंस जाते हैं तो। यार छोटी गाड़ी है, अपना तो चलो ठीक है, लेकिन दूसरे का है, जब तक ये गाड़ी वहाँ तक नहीं पहुँचेगी जब तक अपने हलक में जान रहती है। अब देख रहे हो दोस्त कितनी कितना ट्रैफिक है यार, रॉन्ग साइड जाना पड़ रहा है। माय गॉड यार, बता इस पे तो लग जाएगी गाड़ी तो दिक्कत हो जाएगी। ये तो रॉन्ग साइड गलत ले जा रहा है भाई। चारों गाड़ी में जो जा रही है आगे, 3 गाड़ी मेरी है और 1 गाड़ी दूसरी गाड़ी की है। ओए होए, जिनकी चली हुई है उनका तो ठीक है, मेरा तो नया मॉडल। बाप रे बाप। ओ भैया आ गए गेट तक, थैंक गॉड कि गेट तक आ गए। इतना ये रॉन्ग साइड आना पड़ रहा है। तो ये है दोस्तों नवदेश जी की पार्किंग यार्ड जहाँ पर गाड़ियाँ आई हैं। ये लड़का भागता हुआ आ रहा है। ओ अंकल क्या कर रहे हो, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, तुम्हारी वीडियो बना रहे हैं। चलो चलते भैया, ये तो आ गए हम पार्किंग में, अच्छा लग रहा है। और छोटे क्या नाम है आपका? साहिल। साहिल क्या करते हो बेटा यहाँ पे, रहते यहीं हो क्या? हाँ। अच्छा अच्छा, अभी आते हैं मिलते हैं तुमसे। अच्छा को अंकल बना दिया, बता यार बच्चों के लिए सब अंकल हो जाते हैं। क्या करूं, शीशा ऊपर कर दूं? ठीक है ओके। तो दोस्तों ये बताओ ये कौन सा फल है, तो दोस्तों ये मैंने अभी इसमें से किन्नू निकाला है। किन्नू भाई साहब बहुत छोटा किन्नू है यार, देखो ना खट्टा बहुत है। तो ट्राई कर रहे हैं हम, ये पहली बार ऐसा हमने अभी देखा, ये किन्नू है, पहली बार आया लग रहा है। गाइस अबे ये बहन जो क्या था। चलो एंटरटेनमेंट, निकलो यहाँ से। क्या नहीं रहा क्या वो अंकल, आजा गाड़ी ले। भाई क्या टेस्ट है, तो बड़ा खट्टा है भाई, तुम्हें कैसा लगा? बहुत खट्टा लगा भाई, ये तो नींबू से भी खट्टा है। कौन सा फल है ये भाई साहब, इतना खट्टा, डर के मारे नहीं खाएगा कोई। अरे पहाड़ी नींबू खाया कभी? पहाड़ी नींबू खा के देख। अच्छा वो खाली लेडीज खाती है यहाँ की, ऐसे ऊपर जाए तो ये बहन चो बच गया। अभी बना देता हूँ मेरा कांड। हॉर्न भी नहीं मारा यार, सुनाई नहीं मारा। अच्छा तो भाई साहब ये उधर चलो, उधर उधर चलो, उधर उधर चलो भाई, इस पे आ जाओ, इस पे बच जाओगे भाई साहब। बच गया मैं, अभी अभी कोई लपेट देता, वो भाई साहब गए मिले भी नहीं, पता नहीं लपेट देते अभी तो। तो चले गाड़ी के पास चलते हैं, ठीक है चलो। तो दोस्तों आ गए, एक कार ये रह गई है, एक और मेरी ऊपर रह गई है, मेरी 2 कार रह गई है, फिर उस्ताद की कार उतरवाएंगे। इनके में बलेनो कौन कौन सी है, सारी बलेनो है? तो इनके में एक मॉडल सारा बलेनो है अपने में।
तो ये है ग्रैंड विटारा, ये फुली ऑटोमेटिक है, ये ऑटोमेटिक वाली है। ये देखिए इसका स्टार्टिंग बटन सेम है जहाँ है। तो चलो चलते हैं, इसको डी पे ड्राइव पे लगाते हैं। कुछ लोगों को जिसको नहीं, कईयों को नहीं पता होता ड्राइव मतलब, और नीचे एम लिखा है वो मैनुअल होता है, अपने आप माइनस प्लस कर सकते हैं गियर को। न्यूट्रल का तो न्यूट्रल हो गया, फिर रिवर्स पार्किंग। अभी की जो गाड़ियाँ हैं वो कम से कम न्यूट्रल सर्विस पर है, तो पहले पार्किंग में फिर एंट्रेंस तक जाके गाड़ी, इनका ऑल सेंसर बंद होता है, सेंसरों में गाड़ी फंसी रहती है। ऑटोमेटिक की खास बात ये सही है कि आदमी को, ऑटोमेटिक की खास बात ये सही है कि लोगों को परेशानी नहीं होती है ट्रैफिक में, आराम से बैठ जाओ एक काम ऊपर करके और एक से चला देना, शांतिपूर्वक वाली गाड़ी है। लेकिन लोग इसको भी इसका बर्ता बना देते हैं, अलग ही तरीके का उसके हिसाब का ट्रीट करते हैं। नहीं तो ये आराम से चलाने वाली गाड़ी है, बिल्कुल मस्त शांतिपूर्वक। चलो अभी खाली पड़ा है, फटाफट नहीं चलो। आजा बच्चे आजा, मेरे पीछे पीछे आ जाना। अच्छा अच्छा, तेरे गम के सारे लड़का तो अच्छा मिल गया यार, अच्छा है, पूरा एक्टिव है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ओके ओके। चलो भाई अब इनकी रह गई है, सात कार है इनकी, तो ये मेरे को बेस्ट लगा, अच्छा बच्चा है। साहब रोड पे भाई साहब उधर ही चलो, इधर पब्लिक भाई साहब बहुत तेज चल रही, कुछ भी कहो भैया। ये है बलेनो ये आजकल ये सैटेलाइट वाला ये पूरा सिस्टम आया है। देखो ये गाड़ी जहाँ जहाँ घूमेगी ना, ये देखो ये मेरी गाड़ी खड़ी है, पूरी दिखाई दे रही है ये, और ये ऊपर सामने का डाला है जो भाई सामने की जो गाड़ी का खुला हुआ है। अब आप देखना कि इसमें पूरी जब गाड़ी कटेगी तो पूरा दिखाई देगा, देखना ये सेकंड। हाँ अब देखना गाड़ी, देखो ये देखो रेड ग्रीन दिख रही है मेरी गाड़ी घूम रही है। अब पीछे मेरे को अपनी गाड़ी का डाला दिखाई देगा, और पीछे मुझे गाड़ी भी दिखाई दे रही है एक इसी पूरे डिस्प्ले में। ये बहुत अच्छा आ गया है। अब ये देखो मेरे को पूरा घुमाने का वो है, ये पूरी घूम जाएगी, मुझे पूरी जगह दिखाई दे रही है। देखिए मेरे गाड़ी के पास से निकली है, पीछे भी मेरे को दिखाई दे रहा है, मतलब बाहर देखने की ज़रूरत ही नहीं है। अभी मैंने किस तरीके से आपके सामने काटी है इधर उधर करके, तो अब आगे की तरफ देखना, ये वो दिखा दिया उसने, पेड़ भी दिखाई दे रहा है, सैटेलाइट इतना वो है, ये देखो ये। अब जो अब के बाद जो बंदा एक्सीडेंट गाड़ी करता है, या किसी तरीके से गाड़ी अगर इतनी सिस्टम आ जाए गाड़ी के अंदर, और गाड़ी अगर एक्सीडेंट करता है, तो सारी गलती उसी बंदे की है, किसी और की नहीं है। ठीक, तो दोस्तों रात के बज चुके हैं 10, और हम लोग खाना पीना खा के बिल्कुल रेडी, और अभी ये तो सो ही गया, और मैं भी सोने वाला हूँ, क्योंकि मैं अब आया हूँ बाहर से, बाहर बैठे बैठे लोगों के साथ बैठा रहा। अच्छा बात, आज का जो ब्लॉग है वो बहुत लंबा हो जाता, इसीलिए हमने और कुछ शूट नहीं कर पाया। तो चलिए चलते हैं, इस ब्लॉग को हम करते हैं यही एंड। और आज आप लोगों को, आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगेगा ब्लॉग, क्योंकि मैंने जो है वो पूरा टोटल अनलोडिंग का बनाया है। तो आई होप आप लोगों को बोर होगा, अच्छा लगेगा, अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। तो अभी चलते हैं, गुड नाइट, ओके बाय।